हेलो भाई, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी, सटीक, सही जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि मैंने पूरा एक्चुअल डाटा आपका सर्कुलर नंबर 666 से यहाँ बनाया है। पहले इसको यहाँ पर टाइप किया है, ये पूरा मैंने यहाँ पर 33 साल तक का डाटा लिया है और पूरी रैंक सिपाही से लेकर कैप्टन साहब तक की यहाँ पर रैंक ली है। और इसमें से फिर मैं फिल्टर करके ये आपको डाटा दे रहा हूँ। जैसे कि एक्स ग्रुप का मैंने ये टेबल तैयार करी है, यहाँ से ये वाई ग्रुप की है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? 40% डीए मिलेगा कि कितना बनना है आपका। 40% डीए जो होता है वो कितना होता है आपकी बेसिक का। कुल पेंशन मार्च में कितनी पेंशन आनी चाहिए आपकी। 50% डीए जो है वो कितना बनेगा इस बेसिक का, और अप्रैल की जो पेंशन है वो कितनी आनी चाहिए, इसका दोनों का अंतर कितना आ रहा है, और फिर इनका जो डीए है 3 महीने का जो मिलने वाला है आपको अप्रैल में ही, तो वो कितना मिलेगा। जनवरी मतलब आपका फरवरी मार्च, तो ये तो मार्च जनवरी फरवरी मार्च का तो आपको अलग से एरियर मिलेगा ही 3 महीने का, लेकिन अप्रैल में वो जुड़ के आएगा तो वो कितना होगा, तो वो सारी चीज यहां देखने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे जो व्यूवर हैं वो भी कमेंट करते हैं कि आप लोग जो है ना मतलब 15 साल के बाद बना देते हो डाटा को, तो जो जैसे पीएम आ रहे हैं या फिर वो जो इनवैलिड हैं या डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह हैं, तो देखिए जो वहां से आ जाते हैं पेंशनर, तो उनके लिए भी हमको डाटा तैयार करना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए कि वास्तव में उनके पास जो भी एरियर या पेंशन है वो सही आ रही है गलत आ रही है। तो देखिए, मैंने इसलिए यहाँ पर 0.5 से स्टार्ट डाटा किया है। आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार इसको वॉच कर लेना, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, सक्षम नहीं हो उसको, तो आप किसी बच्चे से यहाँ इसको पढ़वा लेना आप। क्योंकि देखो, मैं अगर पूरा ही डाटा बताऊंगा आपको तो फिर वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर कॉमनली जो डाटा है आपका जनरली देखो 15 से लेके मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा नीचे नीचे तक का, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको एक बार इसको मैं दोबारा वीडियो जो है स्क्रीन उसको चला रहा हूं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर आप लोग 0.5 से स्टार्ट होता है, जो कि धीरे धीरे मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, आगे चल रहा है। और ये देखिए इधर इसमें क्या है, देखिए 1 से लेके 3 तक समान है, और फिर उसके बाद में देखो 9.5 से 10.5 तक समान है, फिर 11 से लेके 12 तक का समान है, फिर इसके में 12.5 और 13 का समान है, 13.5 से लेके और 14 का समान है, 15 से लेके और 19 तक का समान है। तो 14.5 साल वालों का जो है वो 19,950 का बेसिक है, तो उसका अगर हम 40% निकालते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर बनता है 9,177। इसकी मार्च में पेंशन को ऐड करते हैं, मार्च की पेंशन में, तो 29,127 बनता है। देखिए, आज आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने ये देखो, मैं क्लिक करता हूं इसमें, तो देखो फॉर्मूला लगा हुआ है, 40% का गुणा 40 का गुणा किया मैंने बेसिक में, बट्टे 100 कर दिया है तो ये निकल के आया। इसको मैंने क्या कर दिया, देखो प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को मतलब B33 एंड C33 को मैंने प्लस कर दिया, तो ये निकल के आ गया मेरी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि एक्चुअल इसको निकालते कैसे हैं। वीडियो पे ही सारी चीज डिपेंड नहीं करनी है, आपको भी कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो अब यहाँ पर 50% निकालना है, तो वही फॉर्मूला बी जो भी आपका बेसिक है उसमें यहाँ पर 50% का गुणा करो 50 का और बट्टे 100 कर दो, तो इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये निकल के आ गया इसका 9,975 रुपये। इसको मैंने इसमें देखिए फॉर्मूला देखो मैंने ऐड कर दिया है, तो ये अप्रैल की जो पेंशन है वो निकल के आ गई 29,925। इसका दोनों का अंतर कर लो, इसका और इसका, ये निकल के आ गया 798 रुपये, और इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 महीने का एरियर है, 3 किस्त बनेगी तो 2,394 रुपये बनेगी। 14.5 जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी बात कर रहा हूं। अब 15 से लेके और समझ लीजिए 19.5 साल तक, तो देखिए इनका 20,607 रुपये बेसिक है, डीए 40% 9,479 निकलता है, 9479 इनका मार्च का पेंशन बनता है 30,086 रुपये, और 50% डीए बनता है बेसिक का 10,304 रुपये, और इनका पेंशन अप्रैल की जो पेंशन बनती है वो
30,911 बनती है। जो भी डिफरेंट निकल के आता है वो 824 का आ रहा है, 3 महीने का एरियर है वो 2473 निकल के आता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर 20 साल का जो है थोड़ा अलग है, मतलब 20,813 रुपए, जिसका 40% लिए 9574 है। मार्च की पेंशन 30,387 रुपए, 50% लिए 10,407 है। अप्रैल का जो है वो 31,220 है और डिफरेंट निकल के आता है 833 का, तो एरियर बनेगा 2498 रुपए। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 20.5 साल से लेके और फ्रेंड्स 28 साल तक समान है, बिल्कुल समान है, जो कि 21,569 रुपए, जिसका 40% दिए 9,922 रुपए बनता है। मार्च का अगर हम पेंशन निकाल दें दोनों को जोड़ने के बाद, तो 31,491 रुपए बनेंगे। फिर इसका 50% डीए निकालते हैं इसका, तो यहाँ पर 10,785 बनता है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला भी चेक करते जाना है, कहीं गलत तो नहीं लग गया है। देखो गलती हो जाती है तो इसमें यह है कि आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये कहीं फॉर्मूला गलत तो नहीं लगा दिया है। तो अप्रैल की जो पेंशन बनेगी इसके हिसाब से दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर 32,354 की बनेगी और इनका जो डिफरेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 863 रुपए का और डीए का जो एरियर्स है वो 2588 रुपए आएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सिपाही सर का 0.5 से लेके और आपको टिल 28 साल तक एक्सप्लेन किया, और अब बारी आती है यहाँ पर जो है बाई ग्रुप वालों की। ये एक्स ग्रुप वालों का था, तो देखिए ये डाटा निकल के आता है आपका बाई ग्रुप का, वही आप 50% डीए होने के बाद पर मंथ की जो भी है आपकी पेंशन वो कितनी बनेगी, 3 मंथ्स का यहाँ पर डीए कितना बनेगा एरियर्स, और वाई ग्रुप की ये डाटा है। तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग 0.5 से लेके और 14 साल तक आप लोग इसको थोड़ा सा वॉच कर लेंगे। मैं धीरे धीरे चलाता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पर 3.5 साल तक का ही बराबर है 1 से लेके, और इसके बाद में फिर 4 से 4.5 का बराबर है, फिर यहाँ पर 6.5 से 7 का बराबर है, 7.5 से 8 का बराबर है, फिर 8.5 ये तो अलग ही है, फिर 9.5 से 10 तक का बराबर है, फिर इसके बाद में यहाँ पर 12.5 से 13 का बराबर है, और फिर यहाँ पर 13.5 से 14 का बराबर है, फिर यहाँ पर 14.5 में 18,150 मिले हैं बेसिक के, तो उनका 40% डीए बनता है 8,349, और टोटल पेंशन जो आपकी मार्च में आनी है वो 26,449.99, और इसके बाद में आपका यहाँ पर जो भी 50% जो डीए है, जो 50% डीए है वो यहाँ पर 9,075 रुपए बनता है, और जो अप्रैल में पेंशन आएगी वो आपकी 27,225 आएगी, जिसका अंतर इंक्रीजमेंट जो भी है वो 726 रुपए का होगा आपकी पेंशन में, जिसका जो डीए है वो 2178 रुपए आएगा। अब 15 से लेके और देखिए 19.5 साल तक का बराबर है 18,807, तो इसका 40% डीए 8,651 है, जैसा कि आपको मिल रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी है जो कुल टोटल जो पेंशन आपको मिल रही है अभी तक और जो मार्च में मिलेगी वो 27,758 है, और 50% डीए के बाद डीए जो बनेगा वो 9,404 बनेगा। इनको जोड़ते हैं हम लोग बेसिक में तो 28,211 आएगा, अंतर निकालते हैं तो 752 रुपए का आ रहा है, जो भी एरियर आएगा वो 2,257 का आएगा, 2,257 का आएगा। इसके बाद में 20 साल के हैं जो, उनको 19,011 का बेसिक है, तो उनका जो भी यहाँ पर मार्च का जो भी पेंशन है वो 27,756 रुपए है, और जो 50% डीए है वो 9,506 है, और जो भी आपकी अप्रैल की जो पेंशन है वो 28,517 है, और जो अंतर निकल के आया वो 760 रुपए का इंक्रीजमेंट होगा आपकी पेंशन में, और जो एरियर आएगा वो 2,281 का आएगा। अब 20.5 साल से लेके देखिए 20.5 साल से लेके ये डाटा 28 साल तक का पूरा समान है। समान क्या है, वो उनका जो बेसिक है वो है 19,769, ठीक है। ये एक तरीका है
आपको समझाने का। हो सकता है कि मेरे को टाइप करने में एक आध अंक का मिस्टेक हो गया है, तो आप उसको अपनी तरफ से, मैंने ये जो टेबल तैयार करी है पूरी, ये टेबल में वो हो सकता है भाई थोड़ा सा कुछ भी, जैसे यहाँ डब्ल्यू गलती हो गई, तो मैं इसको जब फिल्टर करूंगा तो इसको मैं अपने आप सही कर लूंगा। तो देखिये यहाँ पर क्या है कि ये जो डाटा है, मैंने उसी डाटा में से मूल कॉपी जो 666 की है आपकी, ORP 2 की जो बेसिक है, उसको 28 साल तक जो है वो कहां से कहां तक, 20.5 साल से लेकर 28 साल तक आपका पूरा समान पेमेंट है, ठीक है ना, जो कि 46% 9,094 बनता है। टोटल जो पेंशन बनती है वो जो मार्च में मिलने वाली है वो 28,863 बनने वाली है। जो भी आपका यहाँ पर 50% होने के बाद जो आपकी बेसिक का बनता है वो 9,885 बनता है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो अप्रैल में जो पेंशन मिलेगी वो इसको और इसको जोड़ के मिलेगी तो वो 29,654 बनेगी, 29,654 बनेगी। इसका जो अंतर आएगा वो 791 रुपए आएगा और जो एरियर आएगा आपको वो 2372 रुपए आएगा, मतलब 2372 रुपए निकल के आएगा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।